समूचा भारत कोरोना वायरस के डर से सहमा हुआ है, जिसको लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार एहतियातन कदम उठा रही है ताकि कोरोना वायरस का असर कम किया जा सके। लेकिन अब कोरोना वायरस को लेकर अब राजनीति भी होने लगी है। प्रदेश में भाजपा की सरकार है और वे सभी आवश्यक कदम उठा रही है। विदेश से आने वाले लोगों पर विशेष नजर रखे हुए है। अभी तक प्रदेश में कोई भी कोरोना वायरस से पीड़ित नहीं है। समूचा भारत कोरोना वायरस के डर से सहमा हुआ है, जिसको लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार एहतियातन कदम उठा रही है ताकि कोरोना वायरस का असर कम किया जा सके। लेकिन अब कोरोना वायरस को लेकर राजनीति भी होने लगी है। प्रदेश में भाजपा की सरकार है और वह सभी आवश्यक कदम उठा रही है। विदेश से आने जाने वाले लोगों पर विशेष नजर रखे हुए है। अभी तक प्रदेश में कोई भी कोरोना वायरस से पीड़ित नहीं है। अब जब कांग्रेस के विधायक और प्रतिनिधि हिमाचल के अस्पतालों की स्थिति का जायजा लेने पहुंच रहे हैं, तो ये कदम भाजपा को रास नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस मौके पर भाजपा नेता राजेश कश्यप ने कहा कि कोरोना को लेकर किसी भी तरह से राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोरोना को रोकने के लिए बेहतरीन कदम उठाए हैं, सभी एहतियात रखे जा रहे हैं। यही कारण है कि हिमाचल में कोरोना प्रवेश नहीं कर पाया है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस अस्पतालों का निरीक्षण कर कोरोना को लेकर राजनीति करना चाहती है, जो ठीक बात नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस एक महामारी है जिससे देश पीड़ित है, इसलिए कांग्रेस के निरीक्षण से उन्हें कुछ राजनीतिक फायदा होने वाला नहीं है। ये जो कांग्रेस पार्टी वाले जो हॉस्पिटल विजिट कर रहे हैं, इससे कोई कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार जयराम ठाकुर जी की है और जयराम ठाकुर जी ने पहले ही जो काफ़ी अच्छे जो है स्टेप्स ले लिए हैं और पूरी एंटीसिपेटरीली जो है सभी इंस्टीट्यूशंस को जो है हिदायत दी गई है, पर्टिकुलरली हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को, कि कोई भी पेशेंट आता है इस तरह का जिसको कि जुकाम है या जिसको लगता है कि वो कुछ विदेश से आए लोगों के साथ उसका कुछ संबंध बना है या उनसे मिला जुला है, तो उस पर तुरंत जो है एक्शन लिया जा रहा है। इनका जो है पार्टीज़म से कोई नहीं है, मानवता के प्रति जो है अगेंस्ट जो है ये वायरस फैल रहा है। हमें मानवता को जो है बचाना है, इस पर पार्टीज़म करके कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है किसी। मैं एक जरूर कहना चाहूँगा कि आज जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उन पर जो है आज लोगों का बहुत ज़्यादा जो है विश्वास बढ़ा है, एक जो एक बहुत सराहनीय बात है। और मैं सोलन की जो जनता है उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारे डॉक्टर्स सक्षम है, वो किसी भी तरह की आगे जो ये एपिडेमिक्स फैल रहा है उसको रोकने में जो है कामयाब रहेंगे। उसमें हमारी जितनी जनता है उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने जो हैंड है उसको, हाथ है उसको जो है वॉश करें साबुन के साथ, या जो है सैनिटाइज़र मिलता है तो सैनिटाइज़र से साफ़ करें, और ज़्यादा जो है मिल मिलाव जो है वो कम करें, ज़्यादा भीड़ भड़ाके में ना जाए, इससे जो है एपिडेमिक फैलने के जो है चांसेस ज़्यादा होते हैं। और मिल मिलाव जो है ये जो शादियों में जाना और बड़ी बड़ी पार्टियां करना है, इस पे जो है रोक लगे। अपने आप ही जो है आप सब पढ़े लिखे हैं, हिमाचल प्रदेश एक पढ़ी लिखी स्टेट है, इसलिए यहाँ फैलने के जो है चांसेस काफ़ी कम है। इस पर सोलन के विधायक कर्नल धनीराम चांडिल ने कहा कि कोरोना को लेकर राजनीति करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। उन्होंने कहा कि वे सोलन के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इस वजह से वे सोलन के अस्पताल जा रहे हैं ताकि अगर कोई मदद अस्पताल प्रशासन को चाहिए तो वे उनकी मदद कर सके। उन्होंने कहा कि स्थिति में वे चाहते हैं कि किसी भी तरह से कोई चूक ना रह जाए। उन्होंने कहा कि कुछ कार्यकर्ता ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मिलेंगे, वो भीड़ जुटाकर अस्पताल में नहीं जा रहे हैं, इसलिए भाजपा कार्यकर्ताओं को डरने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई किसी प्रकार की राजनीति करने का सवाल ही प्रश्न ही पैदा नहीं होता। ये तो इसलिए है कि भाई हम भी आफ्टर ऑल सभी लोग तो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं। अगर अपने क्षेत्रों में ये सिर्फ देखने की कोशिश की जा रही है कि किसी प्रकार की सहायता या किसी प्रकार की भी और कोऑर्डिनेशन करके कोई हम इसको बेटर कर सकें, यही इसके पीछे एम है। और विजिट करना तो हमने कौन से बड़े मेले की तरह विजिट करना है, तो सिर्फ ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक दृष्टि से कोई चीज़ हम कर सकते हैं जिससे थोड़ा और ज़्यादा बनाया जाए, जिसमें उनको उनकी सुविधाओं में सुधार हो या किसी प्रकार का कोई और सहायता
की जा कोऑर्डिनेट, इसीलिए तो चुने प्रतिनिधियों को किसी हॉस्पिटल में जाने, राजनीति से इसका कोई मतलब भी नहीं है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आज CMO और MS साहब से पूछूं कि भी किसी प्रकार की उनकी अगर कोई इनको के डिफिकल्टी हो या कोई हम इनके लिए कुछ भी सहायता कर सकते हैं उसमें योगदान देना चाहिए। ऐसे समय में तो राजनीति का प्रश्न ही नहीं होता।